जरात हमने बिडिंग बिडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिसपॉइंटमेंट्स फियर ऑफ लूजिंग इन तमाम चीजों को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया अब बात आती है हाउ टू विन योर फर्स्ट क्लाइंट एज अ फ्रीलैंसर ये एक ऐसी चीज है जो कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि स्टार्ट कर लिया सब कुछ अकॉर्डिंग टू द बुक कर दिया टेक्स्ट बुक प्रिसाइसली तब भी जवाब नहीं आया तो थोड़ा सा जरा काम से हट के अदर एलिमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं जो फैक्टर इन करते हैं आपकी सक्सेस एज अ फ्रीलांसर ना सिर्फ आपकी सक्सेस एज अ फ्रीलांसर बट आपकी सक्सेस दुनिया के किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो एम्प्लॉयमेंट हो रिलेशनशिप्स हो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक माउंटेनर या हाइकर से अगर पूछे ना कि हिमालय की चोटी पे जिसने क्लाइम करना हो और वो जमीन पे खड़े हो बेस लेवल ग्राउंड जीरो पे बैठ के हिमालय की तरफ देखे तो उसको वो बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है लेकिन वो कैसे और क्यों इतना बड़ा पहाड़ सर कर लेता है बिकॉज उसको अपने आप बिलीव होता है सख्त का बिलीव होता है कि मैं ये पहाड़ ये चोटी सर कर सकता हूं। जब आप बड़ा सोचते हैं, तब आपके लिए छोटी हेंड्रेंस बेमायनी हो जाती है जिंदगी में जब आप एक किसी बड़े मिशन बड़े रास्ते पे जाते हो तो रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं पार्ट ऑफ द लाइफ पार्ट ऑफ द प्रोसेस क्या आप गिव अप कर देते हो या आप परेशान हो जाते हो नहीं इसलिए कि आपका मिशन बहुत बड़ा होता है फियर ऑफ लूजिंग फियर ऑफ नॉट रीचिंग योर डेस्टिनेशन सब के सब फैक्टर आउट हो जाते हैं बिकॉज आपका मिशन बहुत बड़ा होता है और आप उस पर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं कामयाबी से अपनी मंजिल में पहुंच जाऊंगा ये कामयाबी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ये तभी आता है जब आपके पास दो चीजें हों मैं आपकी स्क्रीन पे दो चीजें एज अ यू नो टेक्स्ट बुक मैनुअल छोड़ के जा रहा हूं बारहा देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से है नंबर वन पर्सनल डेवलपमेंट और नंबर टू स्किल अब देखा जाए तो ये दोनों बातें रेलिवेंट हैं और देखा जाए इनका ताल्लुक शायद कॉन्फिडेंस से बने भी ना लेकिन मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पर्सनल डेवलपमेंट और स्किल का क्यों डायरेक्टली वास्ता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में देखिएगा क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में जो किसी वक्त में बहुत अमीर थे बादशाह थे और ऑल ऑफ अ सडन पैसेज ऑफ टाइम उनकी तमाम हमारा तमाम पैसा खो गया और वो एकदम गरीब हो गए वो पता क्यों होता है बिकॉज़ वो पर्सनल डिवेलपमेंट में काम नहीं करते वो अपने आप पे काम नहीं करते मुफ्त के मशवरे ले रहे होते हैं और जनाब समझते हैं कि जो उन्होंने एक दफ़ा सीख लिया जो उनकी एक दफ़ा बॉडी लैंग्वेज बन गई बॉडी लैंग्वेज समझते हो अगर किसी से मिलने जा रहे हो ऐसे होके ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है आपका पहला इम्प्रेशन जो है ना वही आखिरी इंप्रेशन होता है अगर आप कॉन्फिडेंट होके किसी से मिलते हो तो बात कारोबार में रिलेशनशिप में या इवन फ्रीलैंसिंग में आपके वर्ड्स डिपेक्ट करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो मैटर करती है पर्सनल डेवलपमेंट में इतना इंफिस दिया जाता है बाहर के ममालिक में एज अ सॉफ्ट स्किल कि अगर आप अपने आप पे टाइम लगाते हो आप अपने क्लोथिंग अपने कपड़े अपना ड्रेस अपना बॉडी लैंग्वेज उस पर टाइम लगाते हो तो ये आपकी ग्रूमिंग करता है ट दैट यू नो मैटर्स इज कि आप कितने डालते uh, हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि आपने ग्रो करना है आपने इम्प्रूव करना है आपने अपने अंदर बेहतरी लेके आनी है ये है पर्सनल डेवलपमेंट दूसरी बात जनाब स्किल अब स्किल है हुनर एज अ फ्रीलैंसर अगर आपका एमच्योरिट स्किल है और वह स्किल भी आपने पांच साल पहले हासिल किया था पांच साल के बाद टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया वक्त चेंज हो गया अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया उस पुराने स्किल सेट के को लेके उस पुराने स्किल सेट के साथ उस पुराने सॉफ्टवेयर की जो आपको नॉलेज है जो नोहा है उसके साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकते 2018 हज़ार ऑनवर्ड्स आपको अपनी स्किल की इम्प्रूवमेंट करने पड़ेगी ये बहुत जरूरी है जिस तरह पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्फिडेंट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल एक गोल है ना एक मिशन है उस मिशन की तरफ आप देख रहे हो इसी तरीके से आपको अपनी स्किल पे भी काम करना है मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूँ मैं डायरेक्टली दोनों बातों का सताया हुआ था हूँ नहीं क्योंकि जब आप प्रॉस्पैरिटी पर चल रहे होते हो तो आपको बाकी यू नो सारी चीज़ें बेमानी लगती हैं आप अर्ज नहीं फील करते कि आपको अपने आप पे काम करना है या आपको अपनी किसी स्किल को एडवांस करना है अनलेस एनटिल यू कम टू दैट ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि मैं इस वजह से ब्रेक हुआ मैं इस वजह से ब्रेक हुआ कि मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं किया था मैंने अपनी स्किल सेट पर काम नहीं किया था एंड दैट इज वेयर आई स्टार्ट यू नो वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इज वेयर आई स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स और उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है वक्त चेंज हो जाता है तो यू नो आज ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि uh, हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए जब आप ग्रो कर रहे होते हो एक शेर आपके uh, सामने रखूँगा और उसका मफहम भी बताऊंगा लेकिन पहले शेर ताकि मजा तो रहे ना जो अली ज़र्फ़ होते हैं ना हमेशा झुक के मिलते हैं जो अली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं सुराही सर नगु होकर भरा करती है पैमाना सुराही के आगे एक झुका हुआ टल सा होता है और वो फिर भरती है क्यों ये बात मैंने की शेर व शायरी का क्या लेना देना सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ लेकिन कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं सक्सेसफुल होने के और वो प्री रेक्विजिट ये है कि जितना आप अपने आप पे काम करते हो जितना आप एज अूमन इम्प्रूव करते हो जितना आप अपने हुनर को ज़्यादा इम्प्रूव करते हो स्किल सेट ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करते हो सीखते हो और एट द सेम टाइम यू स्टे हम्बल तो सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं होती आपसे आजमाई हुई बात है सेल्फ कॉन्फिडेंट पे काम कीजिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जितना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतना ही आप सूनर और लेटर सक्सेसफुल होंगे mm <laughs>